मायानगरी को अचानक बाया बाया कहने वाली नदिया के पार की गंगा आज ऐसी दिखती है। नदिया के पार की गंगा यानी साधना सिंह इस फिल्म से काफी पॉपुलर हो गई थी। यूपी के छोटे से गांव के परिवेश पर बनी यह फिल्म दृश्यों के हिसाब से बेशक साधारण लगे, लेकिन लोगों के दिलों में इसने गहरी जगह बनाई थी। इस फिल्म की हीरोइन साधना सिंह ने यह सोचा भी नहीं था कि वे कभी हीरोइन बनेंगी, लेकिन बहन के साथ एक फिल्म की शूटिंग देखने के लिए गई साधना सिंह पर सूरज बड़जात्या की नज़र पड़ी और वे इस फिल्म की हीरोइन चुन ली गई। साधना सिंह खुद भी कानपुर के एक छोटे से गाँव नोनहा नरसिंह की रहने वाली है। उनकी मासूमियत के लोग इस कदर दीवाने हुए कि आज भी लोगों के जहन में वे मौजूद हैं। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। साधना जहां भी जाती लोग उन्हें गंजा कहकर पुकारते। शहरों के साथ साथ गांवों में भी लोग उनसे मिलने के लिए भीड़ लगा लेते थे। उनके लिए दीवानगी इस कदर थी कि लोगों ने अपनी बेटियों का नाम ही गंजा रखना शुरू कर दिया था। रोने लगे थे गाँव वाले। नदिया के पार की शूटिंग जौनपुर एक गाँव में हुई थी। कहा जाता है कि जब इस फिल्म की शूटिंग खत्म हुई थी तो उस गांव के लोग रोने लगे थे। गांव में शूटिंग के दौरान गंजा और गांव वालों के बीच एक आत्मीय रिश्ता बन गया था। यह फिल्म 1 जनवरी 1982 को रिलीज हुई थी। अचानक हुई थी फिल्म इंडस्ट्री से गायब। ऐसे साधना सिंह ने पिया मिलन ससुराल फलक पापी संसार सरीखी फिल्मों में काम किया, लेकिन एक दिन अचानक वे फिल्मों से गायब हो गई और अपनी गृहस्थी में रम गई। उन्होंने उस समय कहा था कि उन्हें जिस तरह के रोल चाहिए उस तरह की फिल्में नहीं बन रहीं।